अगर आप बिलीव करते हो किसी मेडिसिन पे, ऐसा देखा गया। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दो लोगों को क्या किया गया, इनमें से ऐसा था कि एक बंदे को दवाई दी गई, मतलब कोई बीमारी थी दोनों को, जिसमें से एक बंदे को दवाई दी गई उस बीमारी से रिलेटेड, दूसरे बंदे को नॉर्मल मेडिसिन दी गई जो कोई हार्म नहीं करती बॉडी को, लेकिन दी गई और इस विश्वास पे दी गई कि तुम पूरे ठीक हो जाओगे। So, वो दोनों पर काम कर गई मेडिसिन, मतलब पहले वाले ने तो रिलेटिव मेडिसिन ली थी तो उस पर तो काम करनी थी, दूसरे वाले पर भी काम कर गई और वो ठीक हो गया। क्यों? एक विश्वास के साथ दिया गया था कि उसमें तुम पूरे ठीक, पक्के ठीक हो जाओगे, तो आप एक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपको पता है कि कभी कभार मेडिकल साइंस में चमत्कार भी होते हैं, वो चमत्कार यही है, दैट दोज आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। जो इंसान जीना चाहता है ना अंदर से, तो वहां पर चमत्कार होते हैं। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं तो वो चमत्कार सच में होते हैं। ऐसा बहुत केसेस आपको मिल जाएंगे जहां पर लगता था कि ठीक होगा ही नहीं, वो अपनी इच्छा शक्ति से, अंदर के पॉजिटिव वाइब्रेशन से ठीक हो जाता है। और वो भी एक तरह का लाइन है, बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे।